संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरे श्रद्धा भाव के साथ नगर में जगह जगह बाबा साहेब में आस्था रखने वाले अनुयायी द्वारा मनाया गया, जहां सभी ने उन्हें नमन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल इकाई द्वारा अनुसूचित जाति वार्ड भगवानगंज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सेवा दल के साथियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण के साथ उन्हें नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वर्तमान समय में उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए समाज में समानता के अधिकार के लिए कार्य करने पर जोर दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तुलसी नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में दलित समाज से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहेब को स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चल शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। और क्या कैसे मनाया गया है? आज भारत नहीं अपितु विश्व के संविधान, भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस सेवा दल द्वारा अनुसूचित जाति वार्ड विट्ठल नगर गुरु गोविंद में अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को मनाया गया और बाबा साहब को याद किया गया, क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और उन्होंने समानता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश को एक क्रांति जगाई, उसी संविधान को लिखकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा और सभी के सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते देश में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उससे बात को लेकर आज भारत के संविधान को लेकर सेवा दल द्वारा आज परिनिर्वाण दिवस अनुसूचित जाति वार्ड में मनाया गया, यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया।